आगे बढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्दों का पर्यायवाची शब्दों का महत्व। हवे समानार्थी शब्दों शुं महत्व छे आपणे जाणीशुं। पर्यायवाची शब्द भाषा की व्यापकता सूचित करते हैं। आपणे सौ जाणीए छीए भाषा खूब ज समृद्ध छे, विशाळ छे। एम व्यापकता एटले विशाळता। एनी शू करे छे समानार्थी शब्द शू करे छे तो के एने सूचित करती है, व्यापकता सूचित करे छे। जिस भाषा में एक वस्तु, प्राणी या स्थिति के जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध मानी जाती है। पर्यायवाची शब्द में विशाळता जे छे ए भाषा में एक प्राणी भाषा माटे कहेवाय छे के एने जेटली वधारे वधारे एना अर्थो निकली शके एने वधारे में वधारे सारी एटले के शुं समृद्ध मानी शकाय छे। तो अहींया आपणे थोड़ा उदाहरणों जोईशुं। सूर्य तो भानु अथवा रवि। पछी छे व्यय। व्यय एटले खर्च। धनुज यानी असुर या दानव। मजहब यानी धर्म। कौवा तो काग। समय यानी व्यक्त। प्रारब्ध यानी भाग्य या नसीब। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार समानार्थी। गृह का होता है घर, आवास, भवन। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, मैं आपको यहाँ से उसके आंसर के साथ भेज रही हूँ। आप सबको यह जो है वो अपनी फेयरबुक में लिखना है। तो आप सब देखिए आगे पढ़ेंगे। शरीर या देह, तन अथवा काया। तरुण, जवान, जुआन या तो युवक। जहर तो विष और गरल। आप सबको ये सब जो है वो शब्द लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू।